गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर फोर्थ ऑफ क्लास ट्वेल्थ. इन दिस चैप्टर देयर इज गिवन डिटर्मिनेंट्स. डिटर्मिनेंट्स होता है कि हमें कैसे फाइंड करना, जैसे मैट्रिसेस थे, मैट्रिसेस गिवन है, तो हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस मैट्रिसेस. दिस इज द पार्ट ऑफ मैट्रिसेस, बट डिटर्मिनेंट्स इज अ डिफरेंट फ्रॉम द मैट्रिसेस बिकॉज देयर रूल्स आर डिफरेंट. बट इन दिस केस फर्स्ट हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट्स. फर्स्ट आपका ऑप्शन है, आपको डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड करना है. अगर आपके मैट्रिसेस गिवन है ऑर्डर वन के, अगर आपको कोई भी मैट्रिसेस दे रखे हैं, मान लो आपका ए है और आपको इसमें एक ही एलिमेंट है, जैसे ए ही है, तो हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट्स. तो इसका जो डिटर्मिनेंट्स होगा वो ए ही होगा. जैसे आपका कोई एक एलिमेंट है टू, अगर मैं कहूँ कि इसका डिटर्मिनेंट, दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स की रिप्रेजेंटेशन ये होती है, और अगर मैं कहूँ कि इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करो तो ये टू ही होगा. अगर आपका ऑर्डर टू है, कोई भी आपको मैट्रिक्स दे रखी है 1, 2, 3, 4, 2 by 2, ये 1 by 1 ऑर्डर का था, ये 2 into 2 ऑर्डर का है, इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है. तो देखो, अलोंग द रो आप या अलोंग द कॉलम किसी के भी फाइंड कर सकते हो, बट ईजिली है. यहाँ पे कुछ रूल्स हैं फाइंड करने के, वो मैं अभी 3 ऑर्डर में आपको बताऊँगी व्हाट आर द रूल्स फॉर फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट्स. द फर्स्ट फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2 into 2 ऑर्डर आपको कैसे फाइंड करना है. देखो, फर्स्ट रो से के अकॉर्डिंग चलो. जब रो के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपकी ये रो, जैसे 1 एलिमेंट के ये चला जाएगा और ये जाएगा, तो व्हाट इज़ रिमेनिंग हियर 4. तो आप यहाँ सबसे पहले 1 लिखो, 1 के आगे आप ये चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 4 आएगा. अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है ए, तो ये 1 into 4 minus 3 into 2, 1 into 4, 3 into 2, तो ये होगा 4 minus 6 minus 2, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स पे मोड है. जब आप इसका मोड लोगे तो क्या आ जाएगा, +2. अब नेक्स्ट, अगर ऑर्डर 3 है तो हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3. अगर कोई मैट्रिसेस गिवन है आपको 3 ऑर्डर की, मान लो आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 2, 3, 4 लिया है और आपको इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है. जब आप इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हो तो देखो, इसमें आते हैं रूल्स, क्योंकि ये तो नॉर्मल था, आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की और आपने डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर दिया. बट इसमें अलोंग था, आप R1 फाइंड करोगे तो पहले आप R1 का वो एलिमेंट राइट करोगे. आपने वो एलिमेंट राइट कर लिया, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, और इसके आपस में क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 5 4 20 minus 6 3 18. देखो, रूल ये कहेगा पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई. नेक्स्ट जो भी आएगा, देखो एक होता है एलिमेंट्स. एलिमेंट्स में हम लिखते हैं a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33. यहाँ कुछ रूल हैं. जब आपका A11 along the आप R1 चल रहे हो, R1 में ये चीज़ आपकी पॉजिटिव होगी और ये चीज़ आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी. जब भी आपका सम इन एलिमेंट के, जो ये यहाँ दिए हुए हैं 1 plus 1 2 1 plus 2 3 1 plus 3 4, इवन आएगा तो पॉजिटिव लेंगे, उसके आगे नंबर के आगे पॉजिटिव लेंगे, और ओड आएगा तो वहाँ पे हम नेगेटिव लेंगे. तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके आगे साइन पॉजिटिव, जो सेकेंड एलिमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम खोल रहे हैं तो पहले ही हम यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस. तो अब मुझे 2 के अकॉर्डिंग खोलना है तो आप यहाँ पे लिखोगे -2. तो देखो, जब 2 ले रहे हो तो ये रो चली जाएगी, ये कॉलम चला जाएगा और ये रो चली जाएगी. व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, 2 6 2 6 12 एंड -4 4 16. ऐसे फाइंड करना है आपको. अब यहाँ प्लस ले लो क्योंकि आपने यहाँ माइनस ले लिया. नेक्स्ट एलिमेंट का सम क्या है आपका, इवन है. इवन है तो पॉजिटिव आएगा, और इसके अकॉर्डिंग जब मैं इसको ओपन करूँगी तो ये कॉलम चला जाएगा और ये रो चली जाएगी. तो आप 3 के अकॉर्डिंग खोलोगे तो 4 3 जा क्या बचे, 4 3 जा 12 और -10. तो इस ऐसे हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट्स. अगर आप इसको सोल्व करोगे, +1 है, 20 में से 18 गया 2, और यहाँ पे बचेगा आपका -4 को -2 के साथ करोगे तो आएगा +8, और 12 में से 10 गया 2,
टू को थ्री के साथ करोगे सिक्स, तो दिस इज योर आंसर. सो कम टू द एक्सरसाइज. दिस इज एक्सरसाइज 4.1 एंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ये कहता है विल वेट द डिटरमिनेंट्स. आपको सिर्फ इसका डिटरमिनेंट्स वेट करना है. तो डायरेक्ट आप इसको क्या करो, टू को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस वन के साथ, माइनस माइनस फाइव को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फोर. तो ये आपका क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट्स आ जाएगा ए का. देखो टू को माइनस वन के साथ करोगे माइनस टू, माइनस फोर को माइनस फाइव को फोर के साथ करोगे तो माइनस ट्वेंटी, और माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी. तो ट्वेंटी में से टू गए, आंसर आएगा 18. दिस इज़ क्वेश्चन नंबर टू. इन दिस क्वेश्चन नंबर टू हाउ टू फाइंड द डिटरमिनेंट्स. फर्स्ट मल्टीप्लाई विद दिस वन एंड देन माइनस दिस विद दिस वन. तो फर्स्ट मल्टीप्लाई करो आप एक्स प्लस वन के साथ किसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन के साथ, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन. देर इज टू आइडेंटिटी, फर्स्ट वन दिस एंड सेकेंड वन दिस. अगर इस आइडेंटिटी को चेक करो तो ये ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है. तो ये आइडेंटिटी है आपकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब. अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा. बी की जगह आपका वन है. अगर आप यहाँ रिप्लेस करो तो ये है एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब. तो आप इसको राइट करोगे एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन. तो राइट हियर इसके जगह हम राइट कर सकते हैं एक्स का क्यूब प्लस वन. ये सेकेंड आइडेंटिटी है ए प्लस बी ए माइनस बी. इसको राइट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन. ओपन इट, एक्स क्यूब प्लस वन. अगर आप इसको ओपन करोगे तो माइनस स्क्वायर प्लस वन. तो ये होगा आपका एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस टू. दिस इज योर आंसर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में गिवन है, ए गिवन है आपको 1 2 4 2. आपको शो करना है डिटरमिनेंट्स ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट्स ऑफ a. तो पहले 2a ले लो. व्हाट इज 2a? 2a मतलब आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो. 2 ये हो जाएगा आपका 4, 8 और 4. अब आपको इसका डिटरमिनेंट्स लेना है. दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड. डिटरमिनेंट्स लेंगे इसका 2a का तो ये होगा आपका 4 टू ज़ा 8 माइनस 32. माइनस 32 में से जाएगा तो आंसर आएगा माइनस 26. अब इसकी 4 राइट हैंड साइड लेनी है. टेक राइट हैंड साइड आपकी 4 डिटरमिनेंट्स ऑफ a. तो पहले हमें डिटरमिनेंट्स ऑफ a निकालना है. व्हाट इज़ द डिटरमिनेंट्स ऑफ a? आप यहाँ निकालो डिटरमिनेंट्स ऑफ a. देखो आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ a है 1 2 4 2. अगर मैं इसका डिटरमिनेंट्स निकालूँगी तो ये होगा 2 माइनस 8. 8 में से 2 जाएगा तो माइनस 6. अब आपको 4 इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ a निकालना है. तो 4 मल्टीप्लाई विद माइनस 6 तो ये जो आंसर आएगा माइनस 24. तो ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी. ये लेफ्ट हैंड साइड माइनस 24, दिस इज़ राइट हैंड साइड माइनस 24. तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3. एंड क्वेश्चन नंबर 4 गिवन दैट इफ a इज इक्वल टू दिस देन शो दैट 3a इज इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट्स ऑफ a. पहले आप 3a फाइंड कर लो. अगर मैं 3a फाइंड करती हूँ, 3a दिस इज इक्वल टू 3 0 3 0 3 6 0 0 3 4 12. अब आपको 3a का डिटरमिनेंट्स निकालना है. तो डिटरमिनेंट्स ऑफ 3a इज इक्वल टू, देखो इसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हो. पहले 3 लो. इस मीन्स ये कॉलम एंड रो को आपके पास सिर्फ ये एलिमेंट बचे. आप इनको मल्टीप्लाई करो 12 × 3 = 36 माइनस 6 × 0 आपका आंसर आएगा 0. पहले राइट कर लो माइनस, क्योंकि हम a1 ये आपका a1 है, a12 ले रहे हैं, ये ओड है. और जब ओड होगा तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, नेगेटिव. देन राइट करो 0 और 0 के साथ आपकी ये कॉलम और ये रो चला जाएगा. 0 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, माइनस 0 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0. देन नेक्स्ट आपका एलिमेंट है 3 को छोड़ो, 3 वाली कॉलम को छोड़ दो, रो को छोड़ दो. इनके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 को 0 के साथ करोगे, 3 को 0 के साथ करोगे, क्या आएगा आपका 0 आएगा. तो ये दोनों आपके 0 हो गए. यहाँ पे सिर्फ 36 है. 36 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3 के साथ. 3 6 18,
एंड 3 3s and 9 are 10 108. ये तो हुआ डिटरमिनेंट्स ऑफ 3a. अब आपको लेफ्ट हैंड साइड थी आपकी, अब आप राइट हैंड साइड पे जाओ. राइट हैंड साइड पे गिवन आपको 27 डिटरमिनेंट्स ऑफ a. तो पहले आप डिटरमिनेंट्स ऑफ a निकालो. a वहाँ गिवन है तो आपको इसका निकालना है 101 012 004. देखो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग खोलोगे तो 1 ये गया और ये कॉलम चला जाएगा. तो आप 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 4, और 2 को 0 के साथ करोगे तो 0 माइनस 0. 0 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, लीव इट. एंड नेक्स्ट है आपका 1 1, ये कॉलम और ये रो चला जाएगा. 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0. यहाँ पे सिर्फ आपका जो ए की है जो वैल्यू बची हुई है 4 माइनस 0 4 माइनस 0 4 होता है. 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4. अब आपको 27 गिवन है तो 27 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालना है. तो 27 मल्टीप्लाई बाय 4, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये भी आंसर क्या आएगा आपका 108 एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. दिस इज़ वेरी इजी एक्सरसाइज. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है आपको डिटरमिनेंट्स निकालना है किसका, 3 का माइनस 1 का. माइनस 2 0 0 माइनस 1 3 माइनस 5 0. सेम रूल फॉलो करेंगे हम. ओपन विद आर 1 3, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 माइनस 5 आएगा. 0 प्लस 5 आ रहा था लेकिन माइनस साइन है तो माइनस 5 हो जाएगा. माइनस 1 है पर हमें नेगेटिव लेना है तो ये आपका प्लस 1 हो जाएगा. ये रो चली जाएगी, ये कॉलम चला जाएगा और ये रो चला जाएगा तो 0 एंड 3 माइनस 1 बट प्लस आएगा 3. नेक्स्ट है आपका माइनस 2, ये कॉलम और ये रो चला जाएगा. 0 को दोनों 0 हैं, 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 माइनस 0. आप इसको ओपन करोगे ये आएगा आपका माइनस 15, ये आएगा आपका प्लस 3 और प्लस 0. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका माइनस 12. तो दिस इज़ योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड ए, सेम क्वेश्चन है. यू विल ईजिली फाइंड, आप यहाँ पे 1 राइट करो, ये कॉलम और ये रो चला जाएगा. माइनस 9 को 1 के साथ किया माइनस 9, और माइनस 9 इसको इसके साथ प्लस हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा. माइनस 12 आ रहा था बट माइनस होने की वजह से प्लस हो गया. अब सेकेंड लोगे तो माइनस 1, ये कॉलम चला जाएगा, ये रो चली जाएगी. माइनस 9 को 2 के साथ करोगे तो माइनस 18, और माइनस 15 आना है. 5 3 15 बट माइनस है तो प्लस हो जाएगा. माइनस प्लस 15. नेक्स्ट आपका एलिमेंट है माइनस 2. माइनस 2 के अकॉर्डिंग ओपन करोगे तो 4 2 8 और माइनस 5. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो. 12 में से 9 गया 3, यहाँ पे 3 आंसर आएगा. माइनस 18 में से 15 गया माइनस 3, और माइनस के साथ किया तो प्लस 3. यहाँ पे 8 में से 5 गया आपका 3, और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6. तो 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 6 0 इज योर आंसर. दिस इज माइनस 18, ये माइनस 24 है, इधर आके प्लस 24, और ये होगा आपका 2x square. 24 में से 18 जाएंगे आपके 6 आएगा 2x square, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे x square तो ये वैल्यू 3 हो गई. तो x square is equal to 3. तो x की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस रूट 3. दिस इज वैल्यू ऑफ x. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8. हियर इज गिवन दिस डिटरमिनेंट्स इक्वल टू दिस. द फाइंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ दिस. दिस इज x square और ये होगा आपका माइनस 36. ये 36 और 18 2 36 माइनस 36. देखो ये भी 36 36 0 हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 36 के. नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस रूट 36. रूट 36 की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है. तो एक्स की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 6. दिस इज़ योर आंसर. दिस इज़ योर एक्सरसाइज 4.1 ऑफ चैप्टर 4. आई होप यू विल डू इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन एक्सप्लेनेशन. हैव अ गुड डे.